हाय फ्रेंड्स, आज हम वन लाइनर के रूप में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे वीरॉइड्स के, जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए हेल्पफुल है जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और वो एग्ज़ाम्स जिसमें साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, द टर्म वीरॉइड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय टी ओ डेनियर 1971 टू डिस्क्राइब द कॉजल एजेंट ऑफ पोटैटो स्प्लिंडर ट्यूबर डिजीज। इस जो वीरॉइड टर्म है, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल टी ओ डेनियर ने यूज़ किया था जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे पोटैटो स्प्लिंडर ट्यूबर डिजीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में। सेकंड पॉइंट है, वीरॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ पैथोजेन दैट आर स्मॉलर एंड सिंपलर देन एनी ऑफ द नोन वायरसेस। मतलब वीरॉइड पैथोजन का वो ग्रुप है जो वायरसेस के कंपैरिजन में छोटा साइज का होता है और बहुत सिंपल होता है। पैथोजन उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ नेकेड स्टैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड विदाउट प्रोटीन कोट। मतलब वीरॉइड जो होते हैं उसमें प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो नेकेड होता है। यहाँ नेकेड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर या सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स वीरॉइड्स में पाया जाता है, ये इनका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके थ्रू ये किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं। बहुत सारी डिजीज़ हैं जो वीरॉइड्स की वजह से प्लांट्स में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है साइट्रस एक्सोकॉर्टिस, दूसरा है क्राइसेंथिमम स्टन, और तीसरी डिजीज है कुकुम्बर पेल फ्रूट। ये तीन डिजीज हमारे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, और ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछा जाता है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है जिसे कहते हैं प्रियॉन्स, इन्हें हम स्लो वायरसेस भी कहते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, दे आर कंपोज ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इज एब्सेंट। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रियॉन्स में न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, जबकि वीरॉइड्स जो हमने अभी पढ़ा था उसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। सेकेंड है, क्योंकि इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता इसीलिए ये मॉलिकुलर बायोलॉजी के उस रूल को या सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करता जिसमें ये कहा गया है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसफ़र होती है। जब डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है तो उस प्रोसेस को
ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और जब आरएनए से प्रोटीन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इसमें प्रियॉन्स में, जिसमें कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड में पास होती है, एक एक्सेप्शनल है इस सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी का। प्रियॉन्स जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है, बोथ इन एनिमल्स एंड सम प्लांट्स ऑल्सो। जो डिजीज प्रियॉन्स कॉज करता है उसमें है कोरू, जिसे हम लाफिंग डेथ कहते हैं। सेकेंड है क्रूट्स फ्लैट जैकॉब, जो ह्यूमन में होती है। और तीसरी है स्क्रैपीज, चौथी है मिंट इंसेफेलोपैथी, ये एनिमल में कॉज होती है, मतलब ये एनिमल में ये वाली डिजीज पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैक्टीरियाज के बारे में। मैं एक बार फिर बता दूं, ये वन लाइनर की सीरीज़ है जिसमें हर एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है, ये शॉर्ट नोट की तरह है। पहला, 1679 में वैन लीवेनहुक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एक सिंपल लेंस से। अक्सर पूछा जाता है बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया, तो उसका सही आंसर है वैन लीवेनहुक। सेकेंड है 1881 में कोच वर्क आउट ऑन मेथड ऑफ कल्टीवेटिंग बैक्टीरिया ऑन जिलेटिन, मतलब कोच ने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को कल्टीवेट किया था, और किस मीडियम में, जिलेटिन मीडियम में। नेक्स्ट है 1883 में कोच ने ही विब्रो क्लोरेसिस नाम के बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ये बैक्टीरिया कॉलरा कॉज करता है। नेक्स्ट है 1889 को किटासेटो नाम के वैज्ञानिक ने क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी को डिस्कवर किया था। और इसी तरह 1946 में लेडजरबर्ग और टैटम ने बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के बारे में बताया था। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन मीन्स ये एक तरह का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है 1952 में वॉक्समैन ने डिस्कवर किया था स्टेप्टोमाइसिन, जिसे हम फर्स्ट एंटीबायोटिक के रूप में जानते हैं, जो इफ़ेक्टिव थी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, मीन्स ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट जो फर्स्ट इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स थी वो थी स्टेप्टोमाइसिन, जिसे डिस्कवर किया था वॉक्समैन ने। इसी तरह जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है उसका नाम है डाइलिस्टर न्यूमोसिंस्टर, जिसकी लेंथ होती है 0.15 से 0.2 माइक्रोन। और ये पाया जाता है
ह्यूमंस के नेसोफेगल ऑर्गन में, मतलब नाक में, और कब? इन्फ्लुएंजा के टाइम पे, जब उसे इन्फ्लुएंजा होता है। इसी तरह जो सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है उसका नाम है थियोफाइसा वॉल्यूटिन्स, जो 18 माइक्रोन का है। सो स्मॉलेस्ट डीपी करके याद करेंगे, ग्रेटेस्ट टीवी, स्मॉलेस्ट डीपी, ग्रेटेस्ट टीवी, ये क्या है? बैक्टीरिया है। डीपी मतलब, डीपी मतलब डायलिस्टेड न्यूमोसिंस्ट, और टीवी मतलब थियोफाइसा वॉल्यूटिन। क्लियर? आगे बैक्टीरिया को उसके शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई भी किया गया है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है जैसे माइक्रोकोकस, जो सिंपल स्फेरिकल होता है। दूसरा डिप्लोकोकस, जिसमें दो स्फेरिकल बैक्टीरिया ज्वाइंट होता है। डिप्लो मतलब टू, कोकस मतलब स्फेयर, मतलब दो कोकस जब ज्वाइंट होकर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे ही स्ट्रेप्टोकोकस, जो एक सीरीज की तरह फॉर्म कर देता है। फिर सार्सिनिया, ये क्वाड्रेट की तरह आपस में जुड़ा होता है। नेक्स्ट है बैसिलस, ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। डिप्लो बैसिलस, जब दो बैसिलस आपस में जुड़े हों तो डिप्लो बैसिलस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तीसरा स्ट्रेप्टोबैसिलस, ये चेन की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसे स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट है इसी तरह पैलिसेड, जिसमें सिलेंड्रिकल शेप के बैक्टीरिया आपस में जुड़े होते हैं। फिर स्पाइरिलम, जो स्पाइरल शेप का होता है, इस तरह का। नेक्स्ट है एसिटोबैक्टर, ये भी कुछ कुछ स्पाइरल जैसा ही दिखता है। और लास्ट है विब्रियो, जो कॉमा शेप होता है, या जो सिंपल कॉमा शेप होता है उसे विब्रियो कहते हैं। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया गया है कि जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ग्राम स्टेन के कलर को रिटेन कर सकते हैं, और कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्टेन के कलर को रिटेन नहीं कर पाते। तो जो नहीं कर पाते हैं उन्हें नेगेटिव कहते हैं, और जो कर लेते हैं उन्हें पॉजिटिव कहते हैं। इस मैकेनिज्म को फर्स्ट टाइम डेवलप किया था क्रिस्टियन ग्राम ने। CHRISTIAN क्रिस्टियन ग्राम, GRAM, इन्होंने इसे फर्स्ट टाइम डेवलप किया था 1884 में, और इन्हीं के नाम के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नामकरण किया गया है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम मेन डिफरेंस देख लेते हैं उनकी सेल वॉल के बेसिस पे।
इससे पहले ग्राम स्टेनिंग की जो प्रोसेस होती है उसे थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, इसे समझने में आसानी होगी। जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस होती है इसमें क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को लिया जाता है, उसे फिक्स करने के लिए उसे हीट किया जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। जब हम उसे हीट करते हैं तो उसकी जो सेल वॉल है वो रैप्चर हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। फिर इसके बाद इसमें हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई डालते हैं और 30 सेकेंड के लिए उसे उसी में रहने देते हैं। उसके बाद इसमें पर्पल कलर डेवलप हो जाता है जिसे हम वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद हम उसमें आयोडीन डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद उसे वॉश करते हैं किसके साथ, अल्कोहल से, और अल्कोहल से वॉश करने के बाद उसमें हम सेफ्रिन रेड डाई डालते हैं और फिर उसे ऑब्जर्व करते हैं। जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो दो रिज़ल्ट आते हैं। कुछ बैक्टीरिया में पर्पल कलर एज इट इज़ बना रहता है, पर कुछ बैक्टीरिया में पर्पल कलर वॉश आउट हो जाता है और सिर्फ रेड कलर रहता है। तो जिसमें पर्पल कलर प्रेजेंट रहता है उसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जिसमें पर्पल कलर फेड हो जाता है और उसकी जगह सिर्फ रेड कलर रहता है जो सेफ्रिन डाई की वजह से होता है, उसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था। अब आ जाते हैं हम अपने मेन डिफरेंस पे। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडो ग्लाइकन लेयर की बनी होती है जो बहुत थिक होती है। ये मल्टी लेयर थिक होती है। इनकी थिकनेस जो होती है वो 20 to 80 लेयर्स में होती है। वहीं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है और ये सिंगल लेयर की होती है। इसी वजह से वो जो कलर होता है डाई का वो ये रिटेन नहीं कर पाते। सेकंड मेन डिफरेंस है कि इनके सेल वॉल में टाइकोनिक एसिड पाया जाता है जो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है, और इसकी प्रेजेंस की वजह से सेल वॉल टूटती नहीं है। इट प्रिवेंट लाइसिस ऑफ सेल वॉल, लाइसिस मतलब तोड़ना, और ये एसिड जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। थर्ड और मेन डिफरेंस है कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, वहीं पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में नहीं पाया जाता। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है, जो दो लेयर्स के बीच में स्पेस होती है जिसके बीच में लिक्विड भरा होता है उसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। फोर्थ डिफरेंस जो है वो ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है उसमें आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है जो पेप्टिडोग्लाइसिन से कवर्ड होती है और लिपोप्रोटीन बाई लेयर की बनी होती है। बाई लेयर ना दो लेयर की होती है, लिपोप्रोटीन की उसमें दो लेयर पाई जाती हैं। सेकेंड है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें बहुत कम लिपिड और लाइपोप्रोटीन कंटेंट होता है, वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हाई लिपिड और लाइपोप्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो एलपीएस का है। एलपीएस यानी लाइपो पॉलीसेचराइड कंटेंट, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लगभग ना के बराबर होता है, वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये बहुत हाई होता है और इसकी ये बहुत टॉक्सिक नेचर का होता है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत टॉक्सिक होती है। लास्ट डिफरेंस जो है जो ग्राम पॉजिटिव
बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो इजीली इजीली आसानी से टूट जाती है, इजीली डिसरप्ट कर जाती है, किसकी वजह से, लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से। वहीं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया की सेल वॉल में ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ मेन डिफरेंस थे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के कुछ एग्जांपल्स जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो वो हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।